तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद ये एक नया पोस्ट आ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने कई सारे लेसन्स देख लिए होंगे और आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि प्लांट में आप लोगों को किस तरह से बिल्कुल सेफ रहते हुए अपना काम करना है और इलेक्ट्रिकल के जितने भी ड्राइव्स हैं, जितने भी फीडर्स हैं, उनमें काम कैसे किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ रहा होगा। आज का भी ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कईयों ने मुझसे पूछा भी है कि सर, टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन क्या होता है किसी भी फीडर में। तो टेस्ट और सर्विस पोजीशन मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको लाइव एक फीडर के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ टेस्ट और सर्विस पोजीशन। तो हम सीधे चलते हैं इलेक्ट्रिकल फीडर में। ये इलेक्ट्रिकल फीडर, अब इस फीडर में देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरफ जो है ये आपका कंट्रोल वायर यहाँ पे है और ये फीडर जो है कनेक्टेड है पीछे बस बार से। बस बार मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, कुछ कुछ फीडर्स में मैंने आपको दिखाया है। तो बस बार यानी RYB जो आप थ्री फेज देखते हैं, जो थ्री फेज मोटर को जाने वाली है, ये पीछे उसकी केबल नज़र आ रही है ना RYB की, तो उस बस से जो कनेक्टेड है उसे कहते हैं हम पावर बस, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंट्रोल सप्लाई। तो इस फीडर को तीन पोजीशन में रखा जा सकता है और तीनों पोजीशन क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अभी फीडर पूरी तरह से कनेक्टेड है और इसे कहते हैं सर्विस कंडीशन। इसमें पावर और कंट्रोल दोनों ही कनेक्टेड हैं। अब जैसे ये इस तरह से जब हम खींचते हैं इसको, तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि ये जो कंट्रोल वायरिंग यहाँ पे थी जिसके साथ हमारा ये फीडर कनेक्टेड था, है ना, वो अब भी जुड़ा हुआ है। तो रिमूव क्या चीज हुआ है, पीछे जो RYB की जो बस होती है वो बस अब वो सेपरेट हो चुकी है। मतलब इस कंडीशन में भी इसको कंट्रोल सप्लाई पूरी तरह से मिल रहा है लेकिन इसका जो पावर बस है उससे वो ये फीडर डिसकनेक्टेड है। क्लियर। अब जब इसे आइसोलेट करना है, मतलब बिल्कुल आपको कंट्रोल भी रिमूव करना है और पावर भी, तो ये अब हो गया आपका बिल्कुल आइसोलेटेड कंडीशन। दैट मीन्स आपने तीन पोजीशन आपने यहाँ पे देखा, एक सर्विस जिसमें आपका पावर एंड कंट्रोल दोनों ही चीज़ें फीडर से कनेक्टेड है, देन टेस्ट मोड जिसमें हमारा कंट्रोल तो कनेक्टेड है लेकिन पावर जो है वो डिटैच है, वो कनेक्टेड नहीं है, और एक होता है आइसोलेटेड मोड। आइसोलेटेड मोड मतलब आपका पावर भी अभी डिसकनेक्टेड हो चुका है फीडर और उसी तरह कंट्रोल भी पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है। जब कभी आपको ट्रायल लेना है लेकिन आप नहीं चाहते कि मोटर तक मेरी पावर जाए, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें डाउट है और मुझे मोटर को चलाना भी नहीं है, क्योंकि प्लांट में मोटर्स जो होती हैं वो किसी न किसी प्रोसेस में लगी होती है ना, लेकिन आपको ट्राई लेना है कि मेरा जो कंट्रोल है वो हेल्दी है या नहीं, कंट्रोल सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस वक्त आप इसे टेस्ट मोड में रख कर आप जब ट्रायल ले सकते हैं, कंट्रोल रूम से भी आप ट्रायल ले सकते हैं और आप यहाँ पे लोकल में भी उसको ट्रायल ले सकते हैं। उस वक्त यही आपका बेनिफिट है कि जो पावर है मेन RYB वो मोटर तक नहीं जाएगी क्योंकि वो पावर बस से ये फीडर अभी डिसकनेक्टेड है, लेकिन आप इसे टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो पूरा कंट्रोल सर्किट है वो ओके है और वो रेडी टू ऑपरेट है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे टेस्ट, सर्विस एंड आइसोलेटेड कंडीशन। ये इस तरह से दबते हैं, आप देख रहे हो ना, तो ये फीडर जब अंदर जाता है तो इससे कनेक्टेड हो जाता है। अब टेस्ट मोड जो होता है आपको हमेशा ड्राइंग में नज़र आएगा, जैसे ये दिख रहा है ड्राइंग में, इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक डायग्राम में टेस्ट मोड, उसमें टेस्ट और सर्विस, चाहे आपका HT फीडर हो चाहे आपका LT फीडर हो, वहाँ पे आपको टेस्ट और सर्विस दोनों का ही डायग्राम नज़र आएगा, तो उसे भी रीड करना ज़रूरी होता है। तो मैंने पिछले लेसन्स में आपको टेस्ट और सर्विस
इन दोनों का ही स्कीमेटिक डायग्राम कैसे पढ़ते हैं वो मैंने आपको दिखाया है, जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।